Hey, y'all, come look at this. ये पबजी वाला है क्या? Yes, ये पबजी वाला ही वीडियो है. मार्च 2020 में पबजी मोबाइल ने 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रेवेन्यू बनाया. इंडिया में करीब 5 करोड़ एक्टिव यूजर्स है पबजी मोबाइल के, और एक अंदाज से देखा जाए तो करीब 1.5 करोड़ यूजर्स है जो हर रोज पबजी खेलते हैं. पबजी के बढ़ते हुए क्रेज के साथ उसका यूजर बेस और भी बढ़ता जा रहा है. आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल. बहुत सारे देश है जैसे कि ईरान, नेपाल और जॉर्डन जिन्होंने पबजी मोबाइल को अपने देश में बैन किया हुआ है. मई महीने से इंडो चाइना बॉर्डर गलवान वैली के पास हालात बिगड़ने चालू हुए और एक सिलसिला चालू हुआ जिसमें भारतवासियों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चालू किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना को पहला झटका देते हुए 50 से ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया. सडननेस, द शियर सडननेस ऑफ द मूव, द अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द मूव, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मूव. हालत फिर भी सुधर नहीं रहे थे. इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड पबजी मोबाइल एंड 117 अदर चाइनीज एप्स. एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.